हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो अभी शाम का टाइम है और मैं यहां पे सब्जी को खाली कर लेती हूँ। आज मेरे यहाँ 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा खाना बच रहा है। ये क्या करते हैं ना कि दोपहर में वहीं पे खा लेते हैं और घर में नहीं खाते हैं, और घर में बताते भी नहीं हैं कि मैं नहीं खाऊँगा। और मैं इनके हिस्से का भी खाना बना लेती हूँ, और जबकि मैं रोटी लेट बनाती हूँ जब इनका आने का टाइम होता है, फिर भी ये फ़ोन नहीं करते हैं। जैसे फ़ोन कर देना तो कुछ रोटी बनी रहती है तो फिर कुछ रह जाती है, तो चलो आटा उठा के रख देते हैं, तो फोन भी नहीं करते हैं। तो उन सबको खाली करके मैं रख देती हूँ और शाम को ना इनको यही खिलाऊंगी। और मेरा खाना बहुत ज़्यादा आजकल ख़राब होने लगा है, तो अच्छा नहीं लगता ना जब खाना ख़राब होता है। तो यहाँ पे तो ख़रीद के खाना पड़ता है, गांव में रहता है तो चलो हम गाय भैंस को खिला देते हैं, गांव का नहीं अखरता है क्योंकि वो घर का रहता है। और यहाँ पे ख़रीद के ले आओ और फिर ख़राब होता है ना, बहुत ज़्यादा आखरता है। और मैं यहाँ पे गुड़िया को डांट रही थी, वो आज बाल कटवा ली थी तो आई थी दिखाने, तो मैं बोल रही थी कि बहुत हीरोइन बनके जो घूम रही हो ना, तो अगली बार मैं तुमको टकली कर दूँगी। बहुत पीछे पड़ी थी बाल कटवाने के लिए, तो उसके ऊपर भी गुस्सा निकाल रही थी। और मैं यहाँ पर बर्तन धुल चुकी हूँ और गैस वगैरह तो साफ ही कर ली हूँ, और बर्तन को लगा लूँगी रैक में। और जो नीचे पानी गिर जाता है ना, थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है, तो उसको मैं पोछे से साफ कर दूंगी। क्योंकि ये जो स्लैब बना है ना तो एकदम पूरा प्लेन है, किनारे पे मतलब कि कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है, तो इसलिए पानी कुछ ना कुछ नीचे गिर जाता है। जब मैं टोकरी नहीं ली थी ना तब तो बहुत ज़्यादा गिरता था, अभी मान लीजिए धुल के टोकरी में रख देते हैं तो पानी नीचे की साइड में नहीं आता है। और नहीं तो जब हम जैसे धुल के यहाँ पर रखते थे स्लैब पे ना, तो पूरा पानी फिसल के जो है नीचे की साइड में गिरता था, तो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे भी फर्श पे भी पानी पानी हो जाता था। और मुझे आप लोग को तो पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना कि जो सबको नहीं पसंद होती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे भी पोछा लगा लेती हूँ, और थोड़ा ही पानी गिरा है फिर भी पोछा लग जाता है ना, तो अच्छा साफ सुथरा दिखता है। और थोड़ा सा जहाँ मेरी सिंक है ना वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, तो वहाँ भी मुझे सीमेंट लगाना है। और आप लोग को तो पता है जो गवर्नमेंट रूम में रह रहे हैं ना, उनको तो पता है कि गवर्नमेंट रूम कैसा रहता है। तो ये मेरा गवर्नमेंट ही रूम है, फिर भी मैं साफ सुथरा रखती हूँ क्योंकि हम 12 महीने यहीं पे रहते हैं, तो अपना ही घर समझ के साफ सफाई रखते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि साफ़ सफाई रखना भी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई सबको अच्छी लगती है ना। जब साफ़ सुथरा रहता है कोई चीज़ तो देखने में अच्छा लगता है। जैसे हम कोई बहुत अच्छी चीज़ लेके आते हैं घर में, और फिर बार बार उसी पे नज़र जाती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे जब हमारा घर भी साफ़ रहता है ना, तो घर में रहते हैं ना तो अपने आप को एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और अब अगर हम सामान इधर उधर बिखेर के रखेंगे सॉरी, तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता है। मैं तो बोलती हूँ कि सबको जितना हो सके ना अपना घर साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है, और जो आएगा उसको भी अच्छा लगेगा। हम हाउसवाइफ 24 घंटे घर में रहते हैं तो हमें भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे गुड़िया और प्रिया की दोनों की बुक काफ़ी फैली हुई है, यहाँ पे कैंची भी रख लेती है, पता नहीं क्या क्या रख लेती है। और मुझे ऐसे डर लगता है ना कि कैंची से बेडशीट वगैरह कट जाएगी, वो हाथ पड़ेगा इधर उधर ना, तो उसका कैंची का मुंह खुला रहता है तो कभी कभी कट जाता है। तो यहाँ पे मम्मियाँ जो होती हैं ना, वो हमेशा बुक कापी समेटती रहती हैं। आज के ज़माने में ना बच्चे कम पढ़ते हैं और मम्मी लोग ज़्यादा पढ़ती हैं, तो आप लोग बताइएगा कि किस किस के घर में ऐसा होता है ना। तो मैं हमेशा जिधर निकलूँगी ये लोग बुक कापी फैलाए रहेंगे देखेंगे ना, तो उधर से ही मैं बुक कापी समेटती रहूँगी। और जब इन लोग को पढ़ना होगा तो हम दूसरी जगह रख देते हैं, जैसे ना
तो नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि पक्का मम्मी ही उठा के रखी हैं। तो यहाँ पे मेरा बिस्तर भी लग गया है और मैं चलूँगी अभी दूसरे रूम में, वहाँ का भी बिस्तर बना लूँगी। और यहाँ पे बिस्तर देखिए ना, दोपहर में लेटे थे तो बिस्तर भी फैला हुआ है और यहाँ पे कपड़े भी धुले हुए जो हैं दो चार ना, उसको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। गले में पता नहीं क्या हो गया है, जब वॉइस डालने लगती हूँ ना तभी खराश आते हैं। तो बिस्तर को भी झाड़ लूँगी और ज़्यादा कपड़े तो मैं आज नहीं धुले थे क्योंकि हाथ से ही धुले थे और जो मेरी आदत है मैं कपड़े हाथ से बहुत कम धुलती हूँ। तो मशीन कल चलाई थी तो बहुत सारा धुल दी थी और इन लोग का नहीं धुली, बस अपना ही धुली थी एक दो जो मेरा था, तो उसी को मैं फोल्ड कर लूँगी। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, मुझे फुल सपोर्ट करिए आप लोग और मुझसे भी जितना हो सकेगा ना, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ और सपोर्ट करती रहूँगी, हमेशा करती रहूँगी। ऐसा नहीं कि हम कुछ दिन करेंगे, जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो हम सपोर्ट किसी को नहीं करेंगे, तो ये मेरे में नहीं है। आप लोग मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे तो हमेशा ही सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए बाय बाय आप लोग को बोलती हूँ।